तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज शनिवार का दिन है, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ पूर्णिया में, वहाँ का एक पौराणिक मंदिर है। लोग कहा जाता है 250 साल पुराना मंदिर है, माता का नाम है। तो उस लोग गए थे अभी दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आए हुए। तो आप लोग भी दिखाते हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। अगर आप पूर्णिया में रहते हैं तो जाइए एक बार घूमने के लिए, दर्शन करिए। माना जाता है कि वहाँ पे आप जो भी इच्छा मांगते हैं वो आपकी पूरी होती है। तो आप लोग भी जाइए, क्योंकि वो मंदिर ब्राह्मणों द्वारा नहीं पूजा जाता है, वो एक विशेष जाति के द्वारा पूजा जाता है। और उन्हीं को कहा जाता है कि वो मलाख के द्वारा मिला था मूर्ति वो दुर्गा जी का, और वही पूजा करते हैं, उनकी चार पुश्ते से पूजा कर रहे हैं वो सब। तो आप लोग भी दिखाते हैं, आप लोग दर्शन करिए। अगर आप पूर्णिया में रहते हैं या पूर्णिया के आसपास रहते हैं तो आइए दर्शन करिए, वहाँ पर इच्छा जरूर पूरी होती है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो देखिए, हम लोग निकल गए हैं गाड़ी से। तो अभी हम लोग मधुबनी वाले रास्ते से निकल के एयरपोर्ट वाले रोड से जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो रोड पूरा खाली है, उतना भीड़ नहीं है। तभी देखिए, जिस रोड से जा रहे थे ये सीधे जाएंगे तो एयरपोर्ट चले जाएंगे, जो डिफेंस एयरपोर्ट है वहाँ पे चले जाएंगे हम लोग। देखिए, बीच में बकरी बैठी हुई है। इधर काफी सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं यहाँ पे डिफेंस के होने की वजह से। तो अभी हम मंदिर के रोड साइड में चले गए हैं। तो जिस मंदिर पर जा रहे हैं ये माना जाता है 250 साल पुराना है। और यहाँ पे खासियत ये है कि किसी ब्राह्मण पंडित द्वारा पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पे जो मछुआरों के मिला था मूर्ति वो ही उन्हीं के खानदान के, उन्हीं के परिवार के लोग पूजा करते हैं। देखिए, हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। आप लोग दिख रहा होगा मंदिर, ऐसा माना जाता है दुर्गा माँ की जो मूर्ति की साइज है वो बढ़ती रहती है। तो देखिए, जो दिख रहा है प्रांगण, ये मंदिर है। ये बिहार के पूर्णिया जिले में है। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। देखिए, ऊपर दो शेर हैं। देखिए, जैसे मंदिर दिख रहा है आप लोग को। मंदिर परिसर में जाते ही एक साइड फूलों का बगीचा है, यहीं फूल तोड़ चढ़ाया जाता है डेली। और ये दो दुकानें हैं जहाँ से आप फूल प्रसाद अगरबत्ती माला ले सकते हैं। यहाँ पानी पीने की भी है, पानी भी ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रांगण है। देखिए, सामने दिख रहा है मंदिर। देखिए, ये बीच में अगरबत्ती लगाने के लिए है। यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है। ये देखिए, ये भी एक मंदिर है। छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे यहाँ पे। ये हनुमान जी का मंदिर है और सामने अगरबत्ती लगाने के लिए है। तो आप लोग जहाँ कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और एक बार जरूर यही दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी बड़ा प्रांगण, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, बलि प्रथा यहाँ पे भी चलता है। तो ये मेन मंदिर है, ये दुर्गा जी के मेन मंदिर है। ये सामने देख सकते हैं आप लोग, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। ये काल भैरव का मंदिर है। तो आप लोग आइए दर्शन करने के लिए, बहुत ऐतिहासिक मंदिर। देखिए, ये मेन मंदिर जो दिखा रहा हूँ मैं आपको छोटा सा क्लिप, तो यहाँ पे शादियाँ भी होता है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है। देखो, आम का बगीचे भी हैं, तीन पौधे यहाँ लगे हुए आम के। यहाँ पर काफ़ी मान्यताएं हैं कि आप जो भी सच्चे मन से इच्छा लेकर आते हैं तो पूरी होती है यहाँ पे। देखिए, पुराने ज़माने कुआं भी है यहाँ पे है। तो मेरे चैनल को अगर आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और दर्शन करने आइए। तो मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट करिए। चलिए, बाय, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।